हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक्चुअली ये मैथमेटिक्स का एक नया ब्रांच है जिसे लीनियर एलजेब्रा कहा जाता है। ये लीनियर एलजेब्रा के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अभी हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं आप भी होता क्या है सबसे पहले ये जानना पड़ेगा, और उसको पढ़ने से पहले ये जानना पड़ेगा इसकी ज़रूरत क्या है। जब हमारे पास दो इक्वेशन दिए होते हैं टू वेरिएबल में, यानी दो चरों में अगर दो समीकरण दिए हैं, तो उनको हल करने के लिए हम अलग अलग मेथड लगाते हैं, जैसे कि प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि लगाते हैं, या फिर इलिमिनेशन विधि लगाते हैं। लेकिन अगर दो से अधिक वेरिएबल हो जाए और दो से अधिक इक्वेशन हो जाए तो उसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता। तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए एक नया तरीका बनाया गया, वो क्या है? अब्व्यूह का, मैट्रिक्स का। तो अब मैट्रिक्स होता क्या है एक्चुअली? मैट्रिक्स का मतलब है जैसे अपने पास कुछ अवयव हैं, उनको मैंने अरेंज करना शुरू किया। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसी तरह से और भी बढ़ाना चाहो तो जे के एल। मैंने ऐसे कुछ अवयवों को अरेंज कर दिया। अरेंज किया तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आप भी को हम डिनोट करते या तो ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे या फिर ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये पंक्तियाँ बन गई, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति। पंक्ति यानी रो जिसे कहा जाता है, इसलिए इसको R से लिखा जाएगा, R1, R2, R3, R4। इस प्रकार से इसमें चार रो मैंने बना लिए। स्तंभ की बात करें यानी कॉलम, ये अपने पास पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। कॉलम को C से लिख दिया, ये C1, C2, C3, इस तरह से ये कॉलम बन गया। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया यहाँ पर, 4 × 3 यानी 12, 12 अवयवों को हमने इस तरह से आयताकार सारणी में अरेंज कर दिया। तो इसी को क्या बोलते हैं? आप भी बोलते हैं। इन जनरल वे में हम इसको डिनोट करने के लिए कुछ ऐसा प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट लिखा तो देखते हैं ये पहले रो में पढ़ रहा है और पहले कॉलम में पढ़ रहा है। तो पहले रो और फिर पहले कॉलम, इसलिए इसको A11 लिखते हैं। दूसरा यहाँ पर जो एलिमेंट पड़ेगा, यहाँ देख रहे हैं ये पहले रो में है और दूसरे कॉलम में है, इस वजह से इसको क्या लिखते हैं? A12, पहले रो की संख्या फिर कॉलम की संख्या। इसी तरह से और आगे जितने हों लिख सकते हैं A13। दूसरा यहाँ पर लिखेंगे ये दूसरे रो में पड़ा, इसलिए A21 क्योंकि पहले कॉलम में है, यहाँ पर हो जाएगा A22, इसी तरह से ये A23 हो जाएगा, यहाँ पर A31, A32, A33 एंड सो ऑन, इसी तरह से यहाँ A41, A42, A43, इस प्रकार से लिखा जाता है आप व्यू को। इसको डिनोट करने के लिए अक्सर कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल लेटर इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ज़्यादातर जनरली लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं जनरल डेफिनेशन देना चाहूँ इसकी, कि जनरल डेफिनेशन में क्या बनेगा आप भी हो, तो जनरल डेफिनेशन, अपने पास अगर mn अवयव हैं, कितने अवयव हैं? mn, और mn अवयवों को मैंने, mn संख्याओं को मैंने अरेंज करना शुरू किया। यहाँ पर लिखे A11, A12, A13 एंड सो ऑन, यहाँ पर लिख दिया मैंने A1n। इसी तरह से A21, A22, A23 और यहाँ पर हो जाएगा A2n, A31, A32, A33 और यहाँ पर हो जाएगा A3n। इसी तरह से मैं नीचे आ जाऊँ, यहाँ पर AM1, AM2, AM3 एंड सो ऑन, यहाँ पर आ जाएगा AMN। तो इस तरह से MN संख्याओं को अरेंज कर दिया जाए तो इसी अरेंजमेंट को ही कहते हैं हम आप भी हो। ठीक है, यहाँ पर इसकी ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है यानी रो, इसी तरह से ये कौन सी पंक्ति है, तो ये अपने पास MN पंक्ति है। स्तंभ यानी कॉलम की बात करें, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, इसी तरह से ये कौन सा कॉलम है? nवां कॉलम है यानी Cn। ठीक है, तो mn संख्याओं को हम एक आयताकार सारणी में
एम रो और एन कॉलम में अगर अरेंज कर देते हैं तो इसी को हम आपव्यूह कहते हैं। ठीक है, अब आपव्यूह को डिनोट करने के लिए हम ऐसा भी लिखते हैं इसको ए आई जे शॉर्ट फॉर्म में, और यहां पर ऑर्डर लिखना पड़ता है। ठीक है, अब जानना पड़ेगा कि ऑर्डर होता क्या है, जिसे हम क्रम या कोटि कहते हैं हिंदी में, इसे हम क्रम या कोटि के नाम से जानते हैं। तो क्रम या कोटि का मतलब होता है, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। कितने आपके पास यहाँ पर पंक्तियाँ हैं यानी रो हैं और कितने कॉलम हैं, इन्हीं को क्रॉस में लिख दिया जाता है, इसी को बोलते हैं ऑर्डर। यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितनी पंक्तियाँ, कितने रो हैं, एम रो हैं। कितने कॉलम हैं, एन कॉलम है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे ऑर्डर, इसका एम क्रॉस एन यहाँ पर डिनोट किया जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना चाहूँ तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, एम क्रॉस एन। ठीक है, डॉट नहीं चलेगा, क्रॉस लिखा जाता है। ए आई जे इसमें इस फॉर्म में अगर लिखते हैं तो यहाँ पर भी ऐसे लिख देते हैं, एम क्रॉस एन। जहाँ पर आई की बात करें, आई का मतलब ये नंबर ऑफ रो बता रहा है। रो कहाँ से शुरू हो रहा है, एक से, कहाँ तक रो जा रहा है, एम तक जा रहा है, इसलिए आई को कहेंगे कि ये एक से लगाकर कहाँ तक है, एम तक। जे की बात करें, जे क्या बता रहा है, कॉलम बता रहा है। कॉलम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कॉलम शुरू हो रहा है एक से लगा करके और कहाँ तक, एन कॉलम तक। यानी कि जे की जो बात होगी एक से कहाँ तक होगा, एन तक होगा। तो आप भी को इस तरह से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिया कि ए इक्वल टू दे रखा है एक आप भी 1, 2, -3, -4, 5 एंड 0 ये दे रखा। अब इसमें पूछा जाए बताओ कितने रो हैं, पहला पार्ट पूछा कि बताओ नंबर ऑफ रोज, कितने रो हैं यानी कितनी पंक्तियां हैं। तो आप फटाफट देखोगे ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति R1 और ये R2, तो कितने रोज हैं इसमें, 2। फिर पूछ ले बताओ नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो देख सकते हो ये आपका पहला कॉलम, ये आपका दूसरा कॉलम और ये आपका तीसरा कॉलम, यानी टोटल कितने कॉलम है इसमें, 3। अब आपसे पूछे कि बताओ इसका ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, 2 रो हैं 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3। ठीक है, पहले रो की संख्या, इसके बाद कॉलम की संख्या। फिर आपसे पूछे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने अवयव हैं इसमें, तो इसमें अवयव या तो आप काउंट करके लिखो या सीधा तरीका इसी को मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 3 यानी कि 6। आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अवयव हो गए। ठीक है, और मैंने क्वेश्चन ले लिया, कहा A इक्वल टू दे रखा है 2, 0, -1, 3, 2, 5, -1, 4, -3, 0, 1, 7 ये दे रखा है। अब इसमें पूछे आपसे बताओ नंबर ऑफ रोज, कितने रो हैं इसमें यानी कितनी पंक्तियां हैं, तो पंक्तियां ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और ये हो गई अपनी चौथी पंक्ति, यानी नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, 4। फिर पूछ ले बताओ नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने स्तंभ हैं इसमें, तो ये आपका पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, तो इसमें कितने कॉलम है, 3। फिर आपसे पूछे बताओ इसका कोटि क्या है यानी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4 क्रॉस 3। फिर आपसे पूछे बताओ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने अवयव हैं, तो अवयव मतलब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 3 कितना, 12।
यानी 12, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, हाँ मैंने थर्ड क्वेश्चन लिया इसका फर्स्ट पार्ट। यहां पर कह रहा है कि एक आव्यूह है और उसमें एलिमेंट्स की संख्या जो दे रखा है वो है 12। बताना इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, संभव ऑर्डर क्या हो सकते हैं, यानी संभव कोटियां क्या हो सकती है, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। पॉसिबल ऑर्डर जब भी बताना हो तो आपको फैक्टर इसका करना है, देखना है। जैसे 12 है तो इसको एक तो 1 × 12 लिख सकते हो, दूसरा 2 × 6 लिख सकते हो, फिर 3 × 4 लिख सकते हो, 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, 6 हाँ 6 हो जाएगा, 6 × 2 लिख सकते हो, 7 से होना नहीं है, 8 से होना नहीं क्योंकि 8 के टेबल में 12 आता नहीं, 9 से होना नहीं, 10 से होना नहीं, 11 से होना नहीं, डायरेक्टली ये 12 से डिवाइड होगा, यानी कि 12 × 1। इतना ऑर्डर इसका पॉसिबल है। अगर कहा जाए कितने मैट्रिक्स बन सकते थे टोटल, तो 1, 2, 3, 4, 5 सारे एलिमेंट्स को एक साथ अगर लिया जाए तो 5 प्रकार के इसमें मैट्रिक्स बन सकते थे, आप भी वो बन सकते थे। सेकंड पार्ट मैंने कहा कि इसमें 8 अवयव हों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स हो जाए 8। अब पॉसिबल ऑर्डर बताओ, इसमें कौन कौन से ऑर्डर इसके संभव हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स। तो पॉसिबल ऑर्डर्स बताना है तो 8 के फैक्टर करके देखेंगे, 8 है तो 1 × 8 बन जाएगा, 2 × 4 बन जाएगा, 3 के टेबल में 8 आता नहीं, 4 के टेबल में आता है 4 × 2, और इसके बाद डायरेक्टली 8 के टेबल में। तो इस तरह से ये इतना ऑर्डर इसका संभव है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी आपके पास कह दें कि किसी आव्यूह में 15 अवयव हों, थर्ड पार्ट मैंने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स कितने हो जाएं, 15। अब बताओ कितने ऑर्डर इसके पॉसिबल होंगे। तो पॉसिबल ऑर्डर आपके पास बनेगा, एक तो 1 × 15, 2 होगा नहीं, 3 × 5 हो जाएगा, फिर 5 × 3 हो जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा 15 × 1, यानी 15 के कैसे कैसे फैक्टर बन सकते हैं, यही इसका पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब आपके पास कहा कि क्वेश्चन नंबर मैंने 4 मान लिया इसको, कि आपको एक आव्यूह बनाना है ए आई जे, और इसका ऑर्डर बता रखा कि ये 2×2 का होना चाहिए, और यहां पर ए आई जे दे रखा है आई प्लस जे। आपको आव्यूह ये क्रिएट करना है 2×2 का, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं 2×2 का अगर आव्यूह लिखूंगा तो बनेगा क्या। एक तो बनेगा A11, A12, फिर A21, A22, ये तो बनता है। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये आव्यूह बन गया। यानी आपको इतनी चीज़ें चाहिए इस आव्यूह को बनाने के लिए। नाउ अब ए आई जे अपने पास कितना है, आई प्लस जे, तो पहले A11 निकाले, A11 मतलब 1+1 2 हो गया, A12 निकाले 1+2 यानी कि 3 हो गया, A21 का मतलब 2+1 यानी ये भी 3, फिर A22 का मतलब 2+2 यानी कि 4, क्योंकि ये i और j का मान होता है ए आई जे, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर क्या बन जाएगा, A11 आया 2, A12 आया 3, यहाँ भी 3, और ये हो गया 4। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स हमने क्रिएट कर लिया। वन मोर क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार का। क्वेश्चन कह दिया, 5 नंबर मैंने लिख लिया, ए आई जे आपको बनाना है और इसका ऑर्डर है 2×3, और इसके बाद इसने बताया है कि ए आई जे बराबर है i − j / i + j। आओ देखते हैं सबसे पहले 2×3 का मैट्रिक्स बनेगा कैसे, ये देखना, जिसमें 2 रो हो और 3 कॉलम हो। तो ये अपने पास बन जाएगा, 2 रो बनाना है केवल, A11 A12 कॉलम 3 होने चाहिए, A13
ए टू वन, ए टू टू एंड ए टू थ्री, ये अपने पास बन गया 2x3 का मैट्रिक्स। नाउ अब आपको निकालना पड़ेगा ए वन वन, ए वन वन मतलब आई के प्लेस पर 1 और जे के प्लेस पर 1, तो देखो 1-1 जीरो हो गया, यानी ए वन वन जीरो हो गया। ए वन टू निकाला जाए, ए वन टू की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1-2/1+2, तो -1/3 हो जाएगा। ए वन थ्री की बात करें तो 1-3/1+3, 1-3 क्या होगा, -2 -2/4, यानी कि -1/2। ए टू वन की बात करें, आई के प्लेस पर 2 और जे के प्लेस पर 1, यानी ये 1/3। फिर ए टू टू, आई के प्लेस पर 2, जे के प्लेस पर 2, तो ये 0 हो जाएगा। एंड ए टू थ्री, तो ये बन जाएगा 2-3/2+3, यानी कि -1/5। सारी चीज़ें निकल आई, इसमें रख दो और ये अपने पास मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। ए वन वन है 0, ए वन टू आया -1/3, ए वन थ्री है -1/2, ए टू वन -1/3, फिर ये 0 और ये है -1/5। सो इस तरह से हम कोई भी मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं अगर अपने पास ए आई जे का रिलेशन दिया हो तो। ठीक है, हमने जान लिया कि अगर कोई आव्यूह दिया है तो उसमें रो निकालना, कितने रो होंगे, कितने कॉलम होंगे, काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं। और इसके अलावा हमने ये भी जाना कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ऑर्डर निकालने के बाद हमने ये भी सीखा कि अगर हमें ए आई जे पता हो तो हम उसकी सहायता से मैट्रिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ अब आगे हम बात करें मैट्रिक्स की, उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि मैट्रिक्स कौन कौन से टाइप का हो सकता है, क्या क्या हो सकता है मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स के टाइप की बात करें, मैं बात करूं यहां पर टाइप ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स के टाइप में एक आता आपके पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब है एक ऐसा मैट्रिक्स बनाइए जिसमें नंबर ऑफ रो केवल 1 हो, कॉलम कितने हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ रो 1 होना चाहिए। रो मैट्रिक्स का मतलब सीधा नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए, ओनली एंड ओनली 1। कॉलम मैट्रिक्स की बात करें, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहां पर 1-2-3-4, अगर इसका ऑर्डर लिखा जाए तो ऑर्डर क्या बनेगा, एक रो है कितने कॉलम, 1-2-3-4, यानी 1x4 हो गया। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, ये अपने पास रो मैट्रिक्स है। फिर अगर मैं इसी को ऐसा लिख देता 1-2-3-4, तो यहाँ पर एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, कॉलम कितना, केवल एक, 4x1। सो ये वाला मैट्रिक्स कैसा, अपने पास कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि और इसमें केवल और केवल एक कॉलम है। ठीक है, यानी कि अगर अपने पास रो मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है तो इसको आप लिखोगे 1x n, कॉलम मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर लिखना है तो इसको क्या लिखोगे, m x 1, इस प्रकार से ऑर्डर लिखना हो तो। अगर मैं बात करूं इक्वल मैट्रिक्स, बराबर मैट्रिक्स कौन से होंगे, इक्वल मैट्रिक्स मतलब इसके लिए जरूरी है दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी चीज जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा एक्स वाई जेड और यहाँ पर के लिख दिया और इधर मैंने लिख दिया 1-2-3-4, तो पहले ऑर्डर चेक करेंगे कि इनका ऑर्डर सेम है, तो इसका ऑर्डर 2x2, इसका भी ऑर्डर 2x2। ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अब ये सबसे पहली बात हमने देखा ऑर्डर सेम है, तो अब ये दोनों इक्वल हैं अगर, तो इसका मतलब है कि x 1 के बराबर है, y 2 के बराबर है, z 3 के बराबर और k 4 के बराबर, x 1, y 2, z 3 और k 4, तभी ये इक्वल है। अगर आपके पास ये दोनों अवयव इक्वल ना बने, खाली ऑर्डर सेम हो, तो वो आपके पास इक्वल मैट्रिक्स ना होकर के एक तरह से क्या कहते हैं, सिमिलर मैट्रिक्स बन जाएंगे। ठीक है,
एक जैसे बन जाएंगे लेकिन बराबर मैट्रिक्स नहीं होंगे, इक्वल मैट्रिक्स नहीं हो जाएंगे, वो उस केस में सिमिलर केवल रहेंगे। तो अगर कभी भी इक्वल लगा इसका मतलब ऑर्डर सेम है और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर आपको पता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम हो, यानी लंबाई चौड़ाई बराबर हो, तो उसे वर्ग कहा जाता है, तो स्क्वायर कहा जाता है। यानी इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे, नंबर ऑफ रो इक्वल टू कितना हो जाए नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर होगा तभी कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, अदरवाइज स्क्वायर नहीं है। यानी इसमें आप अगर ऐसे लिखते हो a11 a12 a21 a22, तो इसमें देखा जाए दो रो और दो कॉलम, तो जितना रो उतना कॉलम, इस वजह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3x3 का अगर क्रिएट करना चाहें तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 and a33, इसमें तीन रो और तीन कॉलम, तो ये 3x3 का अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में भी और टाइप्स आते हैं अपने पास। स्क्वायर मैट्रिक्स में अपने पास एक टाइप आता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब केवल डायगोनल के एलिमेंट हो। अब डायगोनल क्या होता है, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने लिखा यहाँ पर a11 a12 a21 a22, तो डायगोनल यहाँ पर दो बन रहा है, एक तो आपके पास ये डायगोनल बन रहा है और एक ये वाला डायगोनल बन रहा है। तो ये वाला जो डायगोनल है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ये इसको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण जिसे कहा जाता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या हो, जिसमें केवल डायगोनल में एलिमेंट हो, बाकी एलिमेंट जीरो हो जाए, तो उसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। इस तरह से 1 2 3 यहाँ पर लिखा, बाकी सारे जगह पर जीरो, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, केवल डायगोनल में ही एलिमेंट्स, इसलिए इस एलिमेंट यानी इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, यानी जिसमें केवल विकर्ण में ही अवयव होते हैं, उसको हम विकर्ण अवयव यानी डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इस डायगोनल मैट्रिक्स के अंतर्गत और भी चीज़ें आती हैं, जैसे आता है अपने पास स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन अंतर इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर जो अवयव होते हैं वो बराबर होते हैं, बाकी जगह सब जीरो रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर केवल विकर्ण के जो अवयव होंगे वो बराबर रहेंगे। अगर यहाँ पर आपने दो डाला है तो सब जगह दो दो ही रहेगा, तीन डाला तो सब जगह तीन तीन ही रहेगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। नाउ इसके बाद आता है एक और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी जिसे तत्समक कहते हो, हिंदी में इसे तत्समक के नाम से जाना जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि अगर एक प्रकार का ये डायगोनल मैट्रिक्स है और इसको डिनोट करने के लिए हम आई से लिखते हैं, और ये होता क्या, इस जगह पर विकर्ण पर 1 1, बाकी जगह 0, ये इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का। ऐसे आप 2x2 का बनाना चाहो तो यहाँ पर 1 0 0 1 लिखा जाएगा। ठीक है, यानी प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 हो जाए, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं और इसे आई से डिनोट किया जाता है। एक और मैट्रिक्स की बात करें, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स की बात करें, जीरो मैट्रिक्स का मतलब जिसके सारे एंटिटीज जितने भी इसमें एंट्री हैं वो सबके सब जीरो हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, जीरो मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर मैंने सारा जीरो लिख दिया और इसको ओ से लिखा जाता है, ये जीरो मैट्रिक्स होता है। जीरो मैट्रिक्स अब जितना ऑर्डर का चाहे, जिस ऑर्डर का चाहे उस ऑर्डर का बना सकते हैं, इसी वजह से ये जो जीरो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कहते हैं डिफाइंड नहीं है, ऑर्डर नॉट डिफाइंड। जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर, या जीरो को नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है, नल मैट्रिक्स का भी ऑर्डर डिफाइंड नहीं होता, जिस ऑर्डर का चाहो उस ऑर्डर का क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ऑर्डर यूनिक होना चाहिए और यहाँ पर ऑर्डर जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, दैट्स वाई जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइंड नहीं होता। तो अब बात करें हम आगे की,
तो आगे हमको पढ़ना है कि इसमें हम अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व करें। नाउ अब हम बात करें ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन लगाना। ऑपरेशन का मतलब जोड़ना है, उनको घटाना है, उनको गुणा करना है, यानी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइड करो, ये सारी चीज़ें। तो अब ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस कैसे लगाते हैं, जोड़ने, सबसे पहले मैं बात करूँ एडिशन की। दो अवयवों को जोड़ना है, जोड़ने के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन याद रखना पड़ेगा आपको कि नेसेसरी कंडीशन इसके लिए क्या है। चलो यहाँ पर रिक्वायर्ड कंडीशन लिख देता हूँ मैं, रिक्वायर्ड कंडीशन, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं होगी ना तो अब उसे जोड़ नहीं सकते। यहाँ पर अगर दो मैट्रिक्स आप जोड़ रहे हो तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उन दोनों को जोड़ नहीं सकते, ठीक है। यानी कि अगर आप ए और बी को जोड़ रहे हो, एक अवयव ए है और दूसरा अवयव बी है, इसका मतलब ये तभी संभव है जब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो, ऑर्डर ऑफ बी हो। जोड़ते समय हमें करना क्या, इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना होता है। जैसे कि मैंने कहा एक मैट्रिक्स मैंने लिखा 1 2 3 4 और इसके साथ जोड़ने को कह दिया 5 6 7 8, इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए पहले ऑर्डर चेक करो, ऑर्डर इसका 2x2, इसका भी ऑर्डर 2x2। जोड़ेंगे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ लो, जैसे 1 और 5 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 2 और 6 8 हो जाएगा, 3 and 7 10 और 4 और 8 क्या हो जाएगा 12। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ने के लिए ध्यान रखना है ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर बात करें डिफरेंस करना, घटाना, तो घटाने के लिए आपको सबसे पहले नेगेटिव जानना पड़ेगा। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालना है। तो नेगेटिव का मतलब हुआ जैसे ए अपने पास दे रखा है 1 2 3 4, अब इसका नेगेटिव कहा कि माइनस ए बताओ क्या होगा, तो आपको क्या करना है सबके साथ माइनस का चिन्ह लगा लेना है, यानी -1 -2 -3 -4 ये हो जाएगा, नेगेटिव का मतलब होता। तो अगर आपको दो मैट्रिक्स को घटाना पड़ जाए, एडिशन करना तो समझ में आ गया, अगर सब्ट्रैक्शन करना आ जाए, यानी सब्ट्रैक्ट करो, कहा गया कि सब्ट्रैक्ट करो घटाओ, a माइनस बी निकालना है, तो हम डायरेक्ट a माइनस बी कहें, कैसे निकालेंगे, तो तरीका क्या है, a प्लस माइनस बी, इस तरह से इसको लिख लें, यानी b का पहले नेगेटिव निकाल लो, इसके बाद उसको जोड़ लो। फिर आता है कि मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन दो टाइप से हैं। एक तो आपके पास किसी एलिमेंट का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन बाय एलिमेंट, किसी एलिमेंट के द्वारा, या जैसे स्केलर कह दें, स्केलर के द्वारा अगर मल्टीप्लाई करना है। और दूसरा आता है मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो अभी मैं केवल इस पर फोकस कर रहा हूँ कि किसी एलिमेंट यानी किसी स्केलर से अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होता है। जैसे अपने पास कहा कि ए है 1 2 3 4, अब आपसे कहा गया कि बताओ इसमें 5 ए क्या हो जाएगा, तो 5 ए जब भी कहे तो प्रत्येक एलिमेंट से 5 को मल्टीप्लाई कर देना सीधा, यानी कि 5 ये 10 15 और ये हो जाएगा 20, इस तरह से ये स्केलर से मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी अगर आप के से मल्टीप्लाई करोगे तो सबके साथ के आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, ए दे रखा है 3 -2 7 1 और बी दे रखा है 2 3 -1 and 4। फर्स्ट पार्ट आपको बताना कि a प्लस बी, सेकेंड पार्ट बताना है a माइनस 2b।
ए प्लस बी निकालना, ऑर्डर पहले चेक कर लो, इसका भी ऑर्डर और इसका भी ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है तो इनको प्लस माइनस किया जा सकता है। अगर मैं ए प्लस बी लिखूँ तो ए का मतलब 3 - 2 = 7, 1, यहाँ पर बी 2, 3 - 1 = 4। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप प्लस कर लें, 3 and 2 = 5, -2 + 3 यानी कि 1, 7 - 1 = 6, 1 + 4 = 5, ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट पर देखें, ए माइनस टू भी निकालना है, ए माइनस टू भी मतलब आप पहले ए को लिख लो, ए कितना 3 - 2 = 7, 1, और माइनस टू भी 2 times आप बी को लिख लो, 2, 3 - 1 = 4, तो ये बन जाएगा 3 - 2 = 7, 1, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 4, 2, 3 = 6, माइनस का 2 and 2 = 4 = 8। मैट्रिक्स में घटाने का कोई मतलब नहीं है, घटाया नहीं जाता, सीधा जोड़ा ही जाता, लेकिन नेगेटिव को, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 - 2 = 7, 1, प्लस लगाइए और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4 - 6, प्लस का 2 and - 8, ऐसा लिख लें। अब इसका आंसर आप आराम से निकाल लोगे, 3 - 4 - 1 हो गया, -2 - 6 - 8 हो गया, 7 + 2 = 9 हो गया, एंड 1 - 8 हो जाएगा -7, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इससे भी बेहतर और अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपको मिल सकें। थैंक यू।